प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक बार फिर अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस लगातार जिले में अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। इसके बावजूद नशे का ये गोरख धंधा जिले में थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां एक बार फिर लाखों की कीमत की 1000 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। कुंडा पुलिस ने छापेमारी कर 82 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए एक आरोपी को भी पकड़ा है। कुंडा कोतवाल राकेश भारती को मुखबिर खास से सूचना मिली कि रैयापुर गांव में अवैध शराब की खेप उतरने वाली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रैयापुर गांव निवासी लालजी सरोज पुत्र दुजई सरोज के यहां दबिश दी, जहां एक पिकअप गाड़ी से शराब उतारी जा रही थी। 8 पेटी लालजी के घर में रखी जा चुकी थी, जबकि 18 पेटी गाड़ी में ही थी। पुलिस ने मौके से लालजी सरोज को हिरासत में ले लिया, जबकि बाघराय थाना क्षेत्र के सिया गांव का रहने वाला गाड़ी का मालिक सोनू उर्फ नीरज पुत्र अशोक यादव मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस की पूछताछ में लालजी सरोज ने बताया कि सोनू उर्फ नीरज ही उसे शराब सप्लाई करता था, जिसके बाद कुंडा कोतवाल राकेश भारती ने बाघराय थाने की मदद से सिया गांव स्थित सोनू के घर पर दबिश दी। इस दौरान घर के एक कमरे में भूसे में छिपाकर रखी गई 51 पेटी शराब पुलिस ने बरामद की। पकड़ी गई शराब हिमाचल प्रदेश से तस्करी करके लाई गई थी। एसपी प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल ने बताया कि बरामद शराब की कीमत लगभग 7 लाख रुपए है, जिसके बाद पुलिस ने धारा 419, 420, 467, 468, 486, 60/63, 72 आबकारी अधिनियम व 103/104 व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी लालजी सरोज को जेल भेज दिया। फरार आरोपी सोनू यादव उर्फ नीरज की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पूरे मामले में क्या कहना है एसपी प्रतापगढ़ का, आप भी सुनिए। देखिए, जनपद प्रतापगढ़ में कुंडा थाना पुलिस के द्वारा और आबकारी विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत और बागराय क्षेत्र के अंतर्गत शराब की बरामदगी हुई है। और ये 82 पेटी शराब है, जो कि अंग्रेजी शराब है, और ये शराब बेसिकली हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है और ये अरुणाचल के लिए इसका ट्रांजिट था, वहाँ पे इसको जाना था। और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे डंप की गई थी और इसकी कीमत जो है वो 3 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की गई है। इसमें जो पूरा नेटवर्क है उस नेटवर्क का हमें पता चला है, जिसको बस्ट किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।